एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 1 से कक्षा 2 के विषय इंग्लिश का गृह कार्य, जो कि दिनांक 21 सितंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में हमें कुछ बख्शीश दी गई हैं जिनके हमें सॉल्यूशन देखने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बख्शीश 7, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट ए टू जेड इन कैपिटल लेटर्स विद करेक्ट स्ट्रोक्स। आपको क्या करना है, ए टू जेड जो आपके अल्फाबेट्स हैं उन्हें करेक्ट स्ट्रोक यानी करेक्ट लाइन में कैसे लिखा जाता है वो देखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो यहां इस तरह से ए टू जेड को लिखा जाता है, अल्फाबेट्स को ऊपर की दोनों लाइनें यूज होती हैं कैपिटल लेटर के लिए। तो यहां हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड को करेक्ट स्ट्रोक में इस तरह से लिखा है। आप भी अपनी पेंसिल या पेन से आप अपनी नोटबुक में इस तरह से इन्हें लिखकर देखें। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट ए टू जेड इन स्मॉल लेटर विद करेक्ट स्ट्रोक। हमें यहाँ क्या करना है, ए टू जेड को स्मॉल लेटर में, इससे पहले हमने कैपिटल लेटर में देखा था, अब हमें देखना है ए टू जेड को स्मॉल लेटर में। तो किस तरह से देखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ए टू जेड का यूज कैप जो स्मॉल लेटर है उनमें इस तरह से होता है, तीनों ही लाइनों का यूज होता है स्मॉल लेटर के लिए। जैसे ए बीच वाले स्ट्रोक में रहता है, जबकि बी फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रोक में रहता है, सी अगेन बीच में, डी फर्स्ट एंड सेकेंड, ई बीच वाले स्ट्रोक में, एफ फर्स्ट एंड सेकेंड, जी थर्ड और सेकेंड के बीच में रहता है, एच फर्स्ट एंड सेकेंड, आई फर्स्ट एंड सेकेंड, जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्ट्रोक में रहता है, के फर्स्ट सेकेंड, एल फर्स्ट सेकेंड, एम बीच वाले स्ट्रोक में रहेगा, एन फर्स्ट एन सेकेंड स्ट्रोक में, ओ भी सेकेंड स्ट्रोक में, पी सेकेंड और थर्ड में, क्यू सेकेंड और थर्ड में, आर एस सेकेंड स्ट्रोक में, टी फर्स्ट सेकेंड में, यू वी डब्ल्यू तीनों ही सेकेंड स्ट्रोक में रहेंगे, वाई सेकेंड और थर्ड और जेड सेकेंड स्ट्रोक में। इस तरह से हम इन्हें लिखेंगे स्मॉल लेटर में, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट में हमें री राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन स्मॉल लेटर। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो फॉलोइंग वर्ड्स है, हमें दिए गए वर्ड्स को क्या करना है, री राइट करना है स्मॉल लेटर में, ठीक है। ये कैपिटल लेटर में दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इन्हें स्मॉल लेटर में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे फादर है तो फादर को लिखेंगे स्मॉल लेटर में, ठीक है। मदर है तो मदर को लिखेंगे, ठीक है। सिस्टर इस तरह से, नेक्स्ट में ब्रदर, टीचर, डॉक्टर, आयरन स्मिथ, और फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से हमने इन्हें क्या करा है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज किया है। नेक्स्ट अगली वर्कशीट में है री राइट दीज वर्ड्स इन कैपिटल लेटर। यहाँ भी हमें जो वर्ड्स हैं इन्हें कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में चेंज करके लिखना है। तो कैमल है सबसे पहले, जैसे लिखेंगे इस तरह से, नेक्स्ट है स्नेक इस तरह से, नेक्स्ट है जी ओ ए टी गॉट, नेक्स्ट है फिश, नेक्स्ट है टर्टल, नेक्स्ट है पीजन,
नेक्स्ट है लिजर्ड। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा है, कैपिटल लेटर को चेंज करके लिखा है स्मॉल लेटर में। तो ये थी कक्षा एक से कक्षा दो के विषय इंग्लिश का कंप्लीट गृह कार्य का सॉल्यूशन। इसी तरह हम अगली गृह कार्य को भी देखेंगे, अगले जो आपके गृह कार्य दिए जाएंगे, जो भी वीडियोस दिए जाएंगे उनसे रिलेट हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।